हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सबन सिद्दीकी, एसोसिएट प्रोफेसर जॉलजी फ्रॉम भारती यूनिवर्सिटी, एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट. सो बिफोर वी आर स्टार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, आई विल लाइक टू मेक यू ऑल नो अबाउट द पर्पस ऑफ दिस गाइड, पर्पस ऑफ दिस दिस वीडियो और दिस लेक्चर. सो दिस इज एक्चुअली इंटेंडेड टू हेल्प help researcher write more effective and more readable reports of empirical research studies. Okay, it will actually helpful to people who are generally good writer but have little or no experience at writing type of the research report. Okay, it may also be helpful, ye unke liye bhi helpful hoga, to people who are experienced are at writing types of research, but those report are not readable and effective as they might be. Okay, actually this guide to not intended to become complete course in writing, not even a complete course in writing research paper, research papers, or we can say research reports. Okay, it focus on the problems that arising in the writing of the particular type of research report. मैं जो आपको आज बताने वाली हूँ, इसमें से जो आपको जो research बनाने में जो problems होती है, जो findings में जो issues होते हैं, जो narrations में या जो आपने जो word terminology use की हुई है, वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा. मैनी पीपल्स हु राइट द रिसर्च पेपर और इन अदर वर्ड जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च स्टडीज, ऑल्सो राइट, ये क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पेपर बनाते हैं, मैथडोलॉजिकल पेपर्स, पोजिशन पेपर्स, बुक रिव्यू और अदर टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. सो सम ऑफ द एडवाइस इन दिस लेक्चर मे अप्लाई टू दोज अदर टाइप ऑफ राइटिंग, बट मच ऑफ इट विल नॉट. ओके, सो स्टार्टिंग विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट. क्या कैरेक्टर होना चाहिए एक अच्छी इफेक्टिव रिपोर्ट की? सो दिस इज वॉट मैंने आपको ये चीज लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है. फर्स्ट वन इज फोकस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस. सो फोकस क्या होता है? एन इफेक्टिव रिपोर्ट एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जो आपकी रिपोर्ट होगी, जो आपकी रिपोर्ट होगी उसमें आपका फोकस होगा, और ये आपकी एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग का या इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग को एम्फसाइज करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करता है. एक्यूरेसी, आपने कितना एक्यूरेटली काम किया है. जो आपने इस पे क्या होगा, आपने किसी अपने रीडर को, जो आपका रिपोर्ट रीड करने वाला है, उसे मिसगाइड नहीं किया है, ठीक है. क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या होगा, एन इफेक्टिव रिपोर्ट डज नॉट कन्फ्यूज द रीडर. जो एक अच्छी इफेक्टिव रिपोर्ट होगी जो आपने बनाई हुई है, वो क्या होगी, आपके रीडर को मिसगाइड नहीं करेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा, अगर आपने कुछ टाइप टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करके की है, ठीक है. कंसाइजनेस में क्या होगा, एन इफेक्टिव रिपोर्ट डज नॉट वेस्ट द रीडर्स टाइम. हमने कभी ऐसा करते हैं ना, हमने एक वर्ड को ही बार बार रिपीट करते हैं या एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स यूज करते हैं, ये रीडर्स का टाइम वेस्ट करता है. सो हमें क्या करना है, ऐसी रिपोर्ट रेडी करना है जिसमें कि फोकस हो, एक्यूरेसी हो, क्लैरिटी हो और कंसाइजनेस हो, जिससे कि ना तो रीडर का टाइम वेस्ट हो और उसको अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले, उसमें ना तो उसे मिसलीड किया जाए ना कन्फ्यूज किया जाए, करेक्ट. सो स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग अहेड. क्या होगा, सबसे पहले यू कैन बिगिन राइटिंग द रिपोर्ट ऑफ योर स्टडी बिफोर यू हैव एक्चुअली डन द स्टडी. आपने जब कर ली है, ठीक है, जो आपने करने वाले हैं, उसके पहले आपको एक शेड्यूल रेडी कर लेना है, एक प्लानर रेडी कर लेना है, वर्किंग अहेड ऑन योर रिपोर्ट, ठीक है. ये कैसे होगा, वर्किंग अहेड ऑन योर रिपोर्ट योर टाइम मोर इफिशियंटली, ठीक. बट देयर इज एन इवन बेटर रीजन फॉर डूइंग इट. आपके पास में देखिए, हम जब अपनी थीसिस रेडी करते हैं या हम डिसर्टेशन रेडी करते हैं एक्स वाई जेड, तब हम बाद में जब अपना पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि नहीं, ये इससे बेटर हो सकता था, ये इससे बेटर हो सकता था, ये हमेशा होता है. तो ये चीज़ हमें क्या होगा, हम जब बाद में रिपीट करते हैं तो ये हमेशा होगा कि बेटर रीजन फॉर डूइंग इट, हम जो कर रहे हैं उससे अच्छा हमें मिल गया रीजन. Working ahead on the report help you plan and conduct study, okay? Because it forces you to think systematically about what you want to study to accomplish. ये आपको force करेगा. Next is you can begin writing the introductory section of. अब क्या करेंगे, आप अपनी report writing का introductory section start करेंगे, जब लिखना शुरू करेंगे report, as soon as you have decided on the general approach of your study. ठीक है, जब आपने रिसर्च की एक जनरल स्टडी बना ली है, अप्रोच कर लिया है, तब आप क्या करेंगे, अपनी इंट्रोडक्टरी सेक्शन पार्ट लिखना शुरू करेंगे. यू डोंट हैव टू वेट अंटिल यू हैव डिटरमाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ मेथड. आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा वेट करने की, जब तक आप अपने मैथड्स को पूरी तरीके से डिटेलिंग नहीं कर लेते या समझ नहीं लेते,
ठीक है, यू कैन राइट द मेथड सेक्शन। अब क्या करेंगे आप, आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख लिया, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग आपने सबसे पहले की हुई है, देन आफ्टर आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यू कैन राइट द मेथड सेक्शन ऑफ रिपोर्ट बिफोर यू हैव एनालाइज डेटा। जब आपने डेटा एनालाइज किया है उसके पहले आप उसका क्या करेंगे, मेथड बना लेंगे। यू कैन इवन बी बिगिन डिस्क्राइबिंग योर मेथड यू हैव कलेक्टेड द डेटा। आप उसमें क्या करेंगे, अपना मेथड भी पूरा डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे टू हैव टू कलेक्ट द डेटा। ऑल्दो यू मे हैव टू मेक सम चेंजेस, आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं इफ द प्रोसीजर डज नॉट गो एग्जैक्टली एज प्लान। जो आपने प्लानिंग की हुई है अगर उससे प्रोसीजर एग्जैक्टली नहीं उतर रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम, यू कैन बिगिन राइटिंग द रिजल्ट। अब जब आपने रिपोर्ट राइटिंग बना ही ली है, आपने मेथड सेक्शन मटेरियल मेथड सेक्शन रेडी कर लिया है, तो अब क्या करेंगे आप, रिजल्ट सेक्शन में आएंगे ऑफ द रिपोर्ट बिफोर यू फिनिश एनालाइजिंग द डेटा। आपने डेटा एनालाइज कर लिया, आपने सब कुछ फिनिश कर लिया, देन आफ्टर क्या करेंगे आप, रिपोर्ट राइटिंग रिजल्ट सेक्शन की राइटिंग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, यू कैन बिगिन राइटिंग इट बिफोर यू फिनिश कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। बिफोर फिनिशिंग कलेक्टिंग डेटा यू विल हैव टू राइट द रिपोर्ट, ठीक है। और इवन बिफोर यू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, या फिर जब आप डेटा कलेक्ट करने वाले हैं तब, ऑफ कोर्स यू वॉन्ट हैव एनी रिजल्ट आपके पास में, बट ऑब्वियस है आपके पास में देर इज नो रिजल्ट, आपके पास में कोई भी टाइप ऑफ रिजल्ट नहीं होगा, बट यू कैन यूज मेड अप डेटा टू क्रिएट एग्जाम्पल्स, ओके। आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, जो बना हुआ डेटा है उसको यूज करके, मतलब एज एन एग्जाम्पल उसे यूज करके, ऑफ द टेबल एंड फिगर, दैट टेबल और फिगर के थ्रू आप अपना डेटा यहाँ पे रेडी करना है। द डिसीजंस यू मेक इन क्रिएटिंग दीज टेबल्स एंड फिगर्स विल हेल्प टू डिसाइड हाउ टू एनालाइज योर डेटा। अब जो आपने ये जो टेबल क्रिएट किया है, फिगर क्रिएट किया है, ये जो है आपको हेल्प करेगा, किस लिए हेल्प करेगा, टू हाउ टू एनालाइज योर डेटा, आपको अपने डेटा एनालाइज करने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिपोर्ट राइटिंग का। अब इस रिपोर्ट में आपने टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, नोटेशन क्या होने चाहिए, राइटिंग स्टाइल्स क्या होने चाहिए, तो आज हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी, ठीक है। नो योर ऑडियंस एंड वॉट टर्म्स दे अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर टर्मिनोलॉजी आप जो यूज कर रहे हैं, आपको सर्वे करना है, आपको रिसर्च करना है कि आपके जो ऑडियंस है या आपकी रिपोर्ट राइटिंग जो पढ़ने वाले हैं, उनको उनके टर्म्स क्या है या वो किस टर्म्स को ईजिली समझ पाते हैं। मैनी रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि टेक्निकल टर्म्स उसमें होते हैं। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट डिसाइड हु योर इंटेंट रीडर आर, जब आप राइटिंग करने वाले हैं उसके पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके रीडर कौन होंगे, ठीक है। देन आफ्टर क्या करेंगे, दोज रीडर विल बी फैमिलियर, आपको ये भी सर्च करना है कि आपका रीडर किस टर्म टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर है, देन आफ्टर आपको उस टर्मिनोलॉजी को यूज करके अपना रिपोर्ट राइटिंग करना है। टू नो विल ऑलरेडी नो एंड अंडरस्टैंड करेक्टली, कौन, आपके रीडर और आप खुद, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें, लेबल ईच वेरिएबल इन योर रिपोर्ट विथ अ टर्म दैट डिस्क्राइब ओनली व्हाट इज एक्चुअली मेजर, आपको उसको लेबल करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, एक्सेस जो मीनिंग होगी उसको लेबल करना, उसको ज्यादा लेबल ना करें, अवॉइड लेबल्स दैट हैव एक्सेस मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग है या बहुत ज्यादा मीनिंग है तो उसे क्या करेंगे हम, लेबल नहीं करेंगे। लेबल दैट इम्प्लाई मोर इन्फॉर्मेशन देन मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स एक्चुअली प्रोवाइडेड, ओके। इसका क्या मतलब होता है, इट इफ द मेजरमेंट इज स्कोर ऑन अ वोकेबिलिटी टेस्ट, कॉल इट वर्ड मीनिंग, डोंट कॉल इट वर्बल एबिलिटी, करेक्ट। हमें ये चीज यूज नहीं करना है। अब हम देखते हैं, इफ़ योर रिपोर्ट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कॉन्सेप्ट, अगर आपका रिपोर्ट कोई न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, डोंट यूज लेबल्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई भी टाइप ऑफ लेबल यूज नहीं करेंगे जो कि दैट आर कॉमनली यूज फॉर सम सिमिलर कॉन्सेप्ट, जो कि कोई सिमिलर कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जाता है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, अवॉइड यूजिंग टर्म्स लाइक टाइप वन, ठीक है, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर और लिबरल, ये सारा कुछ आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट राइटिंग में इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है। ये क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। इफ़ योर रिपोर्ट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है, क्लियर है। जब आपका रीडर जो है सिया फैमिलियर टर्म्स, जब आपका रीडर है बार बार वही टर्म्स जो उसके लिए फैमिलियर है वो देखता है, दे एक्सेप्ट दैम दैट टर्म टू हैव इट यूजुअल मीनिंग, अब वो क्या करेगा, अगर आपका न्यू कॉन्सेप्ट है तो वो अगर उसमें टाइप वन टाइप टू से दिख रहा है तो वो क्या करेगा, एक यूजुअल मीनिंग निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ यू इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म, अगर आपने कोई नया टर्म खुद इंट्रोड्यूस किया है, श्योर द रीडर अंडरस्टैंड दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टर्म। पहले आपको इस चीज़ की श्योरिटी होना चाहिए कि जो आपके इस रिपोर्ट राइटिंग को रीड करेगा वो उस वर्ड को, उस टर्म को समझेगा, ठीक है। डोंट एक्सप्लेन द टर्म इन अ वे दैट इम्प्लाइज
ऐसा कुछ भी टाइप ऑफ अपने उस टर्म को एक्सप्लेन मत करिए दैट इम्प्लाइज दैट योर न्यू टर्म इज़ ऑलरेडी इन कॉमन यूज. ठीक है, आप ऐसे कोई भी लाइन नहीं बोलेंगे, ऐसे कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं करेंगे जो कि ये शो करेगा कि आपका ये टर्म या आपने जो काम किया है, जो न्यू टर्म्स है, वो एक मरतबे कॉमन यूज हो चुका है या अप्लाई हो चुका है. इंस्टेड ऑफ सेइंग सिंपली ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये न्यू टर्म हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा. इन दिस रिपोर्ट वी विल यूज द टर्म ए बी सी टू मीन एक्स वाई जेड. ठीक है, ए बी सी होगा 1 2 3 1 2 3 तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, इसलिए आपके आपको थोड़ा डिफरेंट यूज करना पड़ेगा. देन देखते हैं यूज शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव लेबल्स. कभी कभी क्या होता है, जो राइटर्स होते हैं बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव लेबल्स डाल देते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव लेबल्स यूज करना है. ठीक है, इफ़ योर रिपोर्ट इंक्लूड्स टू और मोर ट्रीटमेंट, अगर आपका जो रिपोर्ट है वो दो से अधिक ट्रीटमेंट अप्लाई करता है, और कंडीशंस, देखो कंडीशंस हो गया, मेजरमेंट्स हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच वन. ठीक है, ईच वन बाय अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव लेवल ऑफ वन और टू और थ्री वर्ड्स. ठीक है, छोटा छोटा करना लेबल, लाइक ट्रीटमेंट ए, ट्रीटमेंट बी. डोंट हेल्प द रीडर रिमेंबर विच ट्रीटमेंट इज विच. आपको बिल्कुल भी रीडर को ये हेल्प नहीं करना है कि ट्रीटमेंट ए कौन सा है, ट्रीटमेंट बी कौन सा है. जो रीडर है वो खुद फाइंड आउट करेगा कि ट्रीटमेंट ए क्या है, बी क्या है, बिकॉज आप उससे पूरा डिटेलिंग करेंगे. ठीक है, अब क्या, डोंट यूज द सेम टर्म टू मीन टू और मोर डिफरेंट थिंग्स. आपको सेम टर्म्स जो कि दो और दो से ज़्यादा मतलब रखते हैं उसे यूज नहीं करना है, ये आपके उसके वेटेज को खराब करता है. डोंट रिफर द सेम थिंग्स बाय टू और मोर डिफरेंट नेम्स. कोई भी चीज़ को आपको दो बार अलग अलग नाम से नहीं डालना है. योर रीडर विल नॉट ऑल रियलाइज इमीडिएटली दैट इंटरेक्टिव लर्निंग रिफर्स एक्टिविटी यू डिस्क्राइब अ स्मॉल ग्रुप एक्सरसाइज. आप छोटी सी एक्सरसाइज में ये चीज़ को एक्सरसाइज को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग रिफर कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गई टर्मिनोलॉजी. देखिए अब हम देखते हैं एब्रिवेशन. सो अवॉइड अनफेमिलियर एब्रिवेशन. एब्रिवेशन हमें क्या करना है, हम जो अपने रिपोर्ट राइटिंग में एब्रिवेशन यूज़ करते हैं, जो हमारे रीडर के लिए अनफेमिलियर है, हमें वो एब्रिवेशन बिल्कुल भी नहीं डालने हैं. ठीक है, डोंट यूज एब्रिवेशन और एक्रोनिम्स लाइक एन ए ई पी और स्टेम STEM unless you are sure they will be familiar to reader. अगर आपको पता है कि हाँ मैंने जो कंटेंट लिया है, मैंने जो एब्रिवेशन डाला है वो मेरे रीडर के लिए फेमिलियर है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. देखते हैं क्योंकि साइंस में कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ एब्रिवेशन ऐसे डाले जाते हैं, तो रीडर विल हैव टू नो वॉट द टर्मिनोलॉजी मीन्स, वॉट द एब्रिवेशन मीन्स. अनफेमिलियर एब्रिवेशन मेक योर रिपोर्ट हार्ड टू रीड. आपकी जो अनफेमिलियर एब्रिवेशन होगी वो क्या होगा, रीडर के लिए हार्ड हो जाएगी पढ़ने के लिए. ठीक है, द मोर न्यू और अनयूजुअल एब्रिवेशन योर रिपोर्ट कंटेन द हार्डर इट विल बी फॉर द रीडर. आपके अगर आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें अगर ऐसे एब्रिवेशन रेडी हैं, ऐसे हैं जो कि रीडर को उसमें समझ में नहीं आ रही है या रीडर उससे फेमिलियर नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट हार्ड हो जाएगी उनके पढ़ने के लिए. विच ईच एब्रिवेशन, वॉट ईच एब्रिवेशन मीन, उन्हें उसका मतलब निकालना पड़ेगा, उसकी रेफरेंस राइटिंग करनी पड़ेगी. द फ्रेसेस अपीयर मेनी टाइम्स इन योर रिपोर्ट. ओके, You may find that using abbreviation makes it easier for you to write the report. जब आप easy abbreviation apply करते हैं तो ये आपके खुद के लिए easy हो जाएगा to write the report. Okay? अब हम देखते हैं include the complete phrases at least once. आपको जो भी phrases write करना है वो एक बार में ही complete करना है. Every abbreviation or acronyms in the report should be written out in full. वेयर इट फर्स्ट अपियर इन रिपोर्ट. आपको वो चीज़ को लेबल करते जाना है, ठीक है, इंक्लूड करते जाना है, इवन इफ इट विल बी फेमिलियर टू मोस्ट रीडर. जबकि होता है बहुत सारे रीडर्स के लिए फेमिलियर होगा, ठीक है, इवन इफ यू थिंक इट इज ऑब्वियस और कॉमन नॉलेज. आपको अगर ऐसा भी लग रहा है कि ये कॉमन नॉलेज है तभी भी करना है आपको. बी केयरफुल वेन यू मेक अप अ न्यू एब्रिवेशन. आपको बिल्कुल केयरफुली न्यू एब्रिवेशन को क्या करना है, मेकअप करना है, बिकॉज इफ यू मस्ट यूज अ न्यू एब्रिवेशन इन योर रिपोर्ट. अगर आप न्यू एब्रिवेशन यूज करते हैं अपनी रिपोर्ट में, डोंट यूज एन एब्रिवेशन दैट योर रीडर विल एसोसिएट विद अ डिफरेंट टर्म. आप ऐसा कोई भी टाइप ऑफ एब्रिवेशन यूज नहीं करेंगे जहाँ पे आपको रीडर को लगे कि ये हम ये जो टर्म है मुझे पता है. ठीक है, ऑल्सो अवॉइड एनी एब्रिवेशन दैट रीडर माइट कंसिडर इनअप्रोप्रिएट. आपको ऐसे एब्रिवेशन भी अवॉइड करने हैं जो कि आपके रीडर, आपका रीडर क्या करेगा, उसे इनअप्रोप्रिएट कंसिडर कर दे, बिकॉज इट लुक लाइक सेम अदर वर्ड. ठीक है, जो कि क्या करेगा, दूसरे वर्ड से बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, बराबर होगा. बिफोर यू डिसाइड अ न्यू एब्रिवेशन, अगर आप जब आप पहले क्या करते हैं न्यू एब्रिवेशन जब डिसाइड करते हैं, फाइंड सम पीपल लाइक दोज यू एक्सपेक्ट द रीड योर रिपोर्ट.
करेक्ट. सो दिस इज वॉट एब्रिवेशन. मैथमेटिकल नोटेशन भी आपको वैसे ही डालना है. रिपोर्ट दैट इंक्लूड मैथमेटिकल फॉर्मूला और इक्वेशन आर ऑफन डिफिकल्ट, ये होता है टू रीड, बट ऑफ द प्रॉब्लम इज विद द नोटेशन. सिर्फ जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो किस में होती है, नोटेशन में. हाँ, बट ऑब्वियसली ये हमारे साइंस वाले के लिए मोस्टली ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट होता है. थ्रू डिस्कशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस गाइड, बट सम पीपल्स आर टू कॉमन, टू बेसिक टू इग्नोर. होता है ये चीज़ को एकदम ईजिली इग्नोर कर दिया जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं. ईच सिंबल शुड हैव वन एंड मोर मीनिंग. हर सिंबल का एक और एक से ज़्यादा मीनिंग होता है. डोंट यूज़ अ सिंबल टू मीन वन थिंग इन वन फार्मूला. एक फार्मूला में आपको ऐसी वर्ड्स यूज नहीं करना है, ऐसे सिंबल यूज नहीं करना है जिसका एक से अधिक मतलब हो. डोंट चेंज नोटेशन. कोई भी टाइप ऑफ नोटेशन जो है उसको आपको चेंज नहीं करना है. डोंट यूज डिफरेंट सिंबल टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ रिपोर्ट. ओके, अवॉइड न्यू यूजेस फॉर सिंबल्स दैट हैव ट्रेडिशनल मीनिंग फॉर योर रीडर्स. ऐसा कोई भी टाइप ऑफ सिंबल यूज मत करिए जो कि आपके रीडर के लिए कोई ट्रेडिशनल मीनिंग देता हो. ठीक है, इफ़ योर रीडर आर अकस्टम टू सी अ सिंबल यूज विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, यू विल कन्फ्यूज दैम. ओके, आप क्या कर रहे हैं, उनको अगर उनके माइंड में एक सेट है इसका मतलब ये होता है, अगर आप वो यूज करते हैं तो आपका रीडर जो है वो कन्फ्यूज होगा. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आज जो आपको बताया है इसमें अब लास्ट है राइटिंग स्टाइल. आपका राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए. मैनी रिसर्च रिपोर्ट आर इनइफेक्टिव बिकॉज, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि इनइफेक्टिव होती है बिकॉज द राइटिंग स्टाइल मेक्स देम हार्ड टू रीड. उनकी राइटिंग स्टाइल ऐसी होती है कि रीडर के लिए हार्ड हो जाता है टू रीड. अ डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम कॉमनली फाउंड इन बैड राइटिंग. डिस्कशन जो होता है ना हमारे जो प्रॉब्लम का, वो इतनी गंदी राइटिंग से लिखा हुआ होता है या ऐसे लिया जाता है कि हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है. ठीक है, और वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस गाइड. जो भी गाइड है उसके बियॉन्ड द स्कोप जा रहा है. हाउ आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर स्पेशली कॉमन इन रिसर्च रिपोर्ट. कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रॉब्लम जो होती है कॉमन होती है. अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस. जो बड़े बड़े सेंटेंसेस है उसको अवॉइड करिए. द प्रॉब्लम इज ईजी टू एलिमिनेट. ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस सच एज आई एंड वी आर नाउ अलो इन स्कॉलरली राइटिंग फॉर मैनी ईयर्स. ये होता है ऐसा. ऑथर्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट ऑब्जर्व एंड जनरल एडिटर. ठीक है, तो ये हुआ आपका करेक्ट राइटिंग. कैसे करेंगे, करेक्ट करेंगे ऐसे वी रिसीव द लिटरेचर. वी रिसीव द लिटरेचर, तो इनकरेक्ट का क्या होता है, द ऑथर रिव्यू द लिटरेचर. करेक्ट, प्रिफर्ड इसका होगा वी कंडक्टेड अवर सर्वे इन कंट्रोल्ड सेटिंग. बट इसका नॉन प्रिफर्ड क्या होगा, द सर्वे वॉज कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड सेटिंग. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. सो यहाँ पे मैंने आपको आज पूरा कंप्लीट किया अपना पार्ट. नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आती हूँ. थैंक यू सो मच.